शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्किंग में जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली ये कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से पंजाब कॉलेज इंडस्ट्री में आईटी और सीएस स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जा रहा है। और मोहम्मद शौकत हसन बूटा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजीज बेसिकली जो है ये बस टोपोलॉजीज होती हैं, स्टार टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजीज, मेस टोपोलॉजीज, ट्री टोपोलॉजीज और एक और भी मेरे ख्याल में होती है जिसका नाम है हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो हम इन पांच के बारे में आज डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है। बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज वो इनको आप दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं डिजाइन ऑफ नेटवर्किंग। किसी भी नेटवर्क को डिजाइन करना बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज कहलाती है। नेटवर्क टोपोलॉजीज इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स मेक्स नोड इटिजी ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है जब आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिंक्स और नोड्स को अरेंज करते हैं तो ये बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज कहलाती है। नेटवर्क टोपोलॉजीज डिफाइन द लेआउट, ये आपके जो नेटवर्क का जो है उसके लेआउट को और वर्चुअल शेप्स को और स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क को जो फिजिकली या लॉजिकल होता है इसको जो है ये डिफाइन करता है। बेसिकली इसकी जो है वो टू टाइप्स है, एक फिजिकल टोपोलॉजी और एक है लॉजिकल टोपोलॉजी। अब हम फिजिकल टोपोलॉजीज को देखते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल लेआउट ऑफ अ नोड्स। इसके अंदर फिजिकली जो है वो डिवाइसेस जो है वो होती हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, फिजिकली केबलिंग वगैरह इसमें जो है वो नेटवर्क में आपको सारा कुछ एक नजर आ रहा होता है कि एक नेटवर्क कैसा जो है वो शो आउट हो रहा है। और इसके अलावा जो है इट इज अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। इसके अंदर मुख्य कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट जो है वो देखने में आता है, जिससे मुख्तलिफ डिवाइसेज होती हैं, उनकी लोकेशन होती हैं और केबल वगैरह की इंस्टॉलेशन होती है। ये सारी चीजें हमें फिजिकल टोपोलॉजीज के अंदर नजर आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजीज क्या होती है? इसका मतलब है हाउ इन्फॉर्मेशन इज पास बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क। दो डिवाइसेज के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है बेसिकली उसको कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजीज। और ये जो है टोपोलॉजी बेसिकली बाउंड होती है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के लिए। और ये डिफाइन हम करते हैं कैसे डाटा मूव हो रहा होता है नेटवर्क के दरमियान। तो ये सारी चीजें जो है हम लॉजिकल टोपोलॉजीज के अंदर देखते हैं। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। पांच टाइप्स हैं, पहले भी हमने देखी है, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री टोपोलॉजीज। अब हम सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा यूज होती है कौन कौन सी, तीन किस्म की जो है वो टोपोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होती है। स्टार, सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा जो है बस टोपोलॉजी है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। और इसके अलावा मैश टोपोलॉजी, ये जो है तीन किस्म की टोपोलॉजी मैंने जो आपको बताई है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की जो एक मेन थीम आपको बता दूं कि इसके लिए किसी किस्म की कोई डिवाइस की जरूरत नहीं होती। बेसिकली एक वायर होती है जिसके ऊपर टी कनेक्टर लगे होते हैं जिसके जरिए ये सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आगे मजीद इसकी तफसील देख लेते हैं कि बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स कंप्यूटर सर्वर प्रिंटर एटीसी आर कनेक्टेड टू द सिंगल केबल। एक केबल के जरिए जो है ये कंप्यूटर सर्वर जो होते हैं, प्रिंटर होते हैं, सारे क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। इस केबल इज नोन एज बस, इसको दूसरे लफ्ज में बस भी कह सकते हैं। और ये एक बैकबोन का दर्जा रखती है नेटवर्क में और ये ज्वाइन करती है सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में। इसके अलावा जो है बोथ एंड्स ऑफ द शेयर्ड चैनल्स हैव लाइन टर्मिनेटर। और दोनों जो तार होती है दोनों के जो है सिरों पर जो है वो क्या लगे होते हैं, लाइन टर्मिनेटर लगे होते हैं जो के कोई भी डायरेक्शन देते हैं वो एक सिरे से जाकर दूसरे सिरे तक लाजमी पहुंचती है। और ये जो है ये सारा काम जो है वो टर्मिनेटर के जरिए हो रहा होता है। अब इसके हम फायदे देख लेते हैं। बस नेटवर्क आर यूजफुल इन स्मॉल नेटवर्क, ये बेसिकली स्मॉल नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। और ये छोटे छोटे ऑफिस में इसको जो है वो सेटअप किया जाता है इसका। और इसके लिए जो है वो केबल जो है की लेंथ जो है वो थोड़ी सी जो है रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करें दूसरी टोपोलॉजीज की तो इसको जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है और इसको समझना भी बहुत आसान है बस टोपोलॉजीज को। और बस टोपोलॉजी की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देखें तो एंटायर नेटवर्क शट डाउन, सारा जो है नेटवर्क शट डाउन हो जाता है। कब होता है? इफ देयर इज एनी ब्रेक इन द मेन केबल, अगर किसी भी मेन केबल में ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका सारे का सारा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा।
केबल है द लिमिटेड लेंथ, केबल की जो है वो एक महदूद लेंथ होती है और ये स्लो हो जाता है जब कोई भी डिवाइसेस आप ऐड और रिमूव करते हैं नेटवर्क से, और इट इज स्लोअर देन रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी की जिस पर जो है बहुत ही सुस्त रफ्तार होती है। तो आगे हम दूसरी जो है पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो है टोपोलॉजीज है। इसको जो है स्टार टोपोलॉजी बेसिकली एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड विच इज कॉल्ड हब और स्विच। ये जो है एक सेंट्रल हब जो है हब या स्विच के जरिए जो है सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होती है, और उसके जो है सेंट्रल नोड हब या स्विच जिसे कहते हैं वो बेसिकली सर्वर भी हो सकता है और जो जो इंडिकेटर वाले जो कंप्यूटर है उनको आप क्लाइंट भी कह सकते हैं। इन दिस टोपोलॉजी डाटा फ्रॉम द सोर्स नोड इज द फर्स्ट डिलीवर्ड टू द हब। सबसे पहले डाटा जो है वो कहाँ पे जाता है, हब पे जाता है, फिर हब जो है उस डाटा को ट्रांसमिट करता है डेस्टिनेशन के ऊपर जहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है। इट इज इजी टू ऐड और रिमूव नोड इन द टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंदर आप इजीली जो है किसी भी डिवाइस को इन और आउट कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी गिव्स बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज डाटा डज नॉट पास थ्रू एवरी नोड अनलाइक बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की निस्बत जो है इसमें जो है ये बेहतर परफॉर्मेंस देती है स्टार टोपोलॉजी। कोई भी डाटा आप जो है बेसिकली इसके अंदर जो है वो पास आउट करते हैं। सो इफ अ पर्टिकुलर वर्क स्टेशन आर अ नोड गेट्स एरर, अगर कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन में कोई एरर आ जाता है तो एंटायर नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड, पूरा नेटवर्क अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इफ द सेंट्रल वर्क स्टेशन हब स्विच, अगर सेंट्रल जो है हब जो है स्विच जो है उसमें कोई फॉल्ट आ गया है तो देन क्या होगा, सारे का सारा नेटवर्क आपका कोलैप्स कर देगा। अब हम स्टार टोपोलॉजी के फायदे देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी को इजी जो है इंस्टॉलेशन इसकी इजीली है और मॉडिफिकेशन भी इसकी इजीली है, और हब कैन भी अपग्रेडेड इजीली, हब को इजीली आप अपग्रेड कर सकते हैं, और इसकी ट्रबल शूटिंग भी आसान है, और जितने भी नई डिवाइसेज अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो बगैर किसी जो है वो अफेक्शन के जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ लोकल कंप्यूटर फेल, अगर कोई एक अदर कंप्यूटर फेल हो जाता है द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क इज अनअफेक्टेड, तो बाकी जो है नेटवर्क वो अफेक्टेड नहीं होगा। अगर इसके हम नुकसान की बात करें स्टार टोपोलॉजी की, तो होल नेटवर्क इज डिपेंड ऑन द सेंट्रल डिवाइस, सो इफ द सेंट्रल डिवाइस इज फेल्ड देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप। ये सारी बेस किसके ऊपर कर रही होती है, सेंट्रल हब मीन्स आप या स्विच के ऊपर, सेंट्रल डिवाइस के ऊपर। अगर वो फेल हो जाती है तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो कलेप्स कर जाता है, स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है, ऑल द कंप्यूटर नोड आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप, एक लूप चल रहा होता है रिंग की तरह, तो उस रिंग में जो है वो सारे डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। और इस दिस टोपोलॉजी वर्क्स ऑन द टोकन बेस्ड सिस्टम, ये बेसिकली एक टोकन बेस्ड सिस्टम होता है, इसके अंदर टोकन जो है वो ट्रेवल करता है लूप में। अगर टोकन फ्री है देन कोई भी मशीन जो है वो कैप्चर करती है उस टोकन को और फिर डाटा उसके साथ अटैच कर देती है कि ये फ्लॉट डेस्टिनेशन जो है एड्रेस भी उसको बता देती है कि वहाँ पे जो है ये टोकन चला जाए। देन जो है वो क्या होता है, टोकन उसके पास उस मतलूबा जगह से निकलकर जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ता है। व्हेन टोकन रीचेज एट द डेस्टिनेशन नोड, जब टोकन डेस्टिनेशन पे पहुँचता है उस डिवाइस की, देन डाटा क्या होता है वहाँ से रिमूव हो जाता है उस जगह से, और इससे क्या होगा टोकन जो फिर एक बार से फ्री हो जाता है और नेक्स्ट डाटा को जो है कैप्चर करने के लिए वो निकल पड़ता है। तो ये बेसिकली था रिंग टोपोलॉजी। अब इसके हम फायदे देख लेते हैं। एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क, इसमें जो इजाफी जो है कंपोनेंट्स जो है वो अफेक्ट नहीं करते नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। अगर हम नुकसान की बात करें, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज दैट इफ वन नोड फेल, अगर एक नोड जो है मशीन जो है फेल हो जाती है देन द कंप्लीट नेटवर्क विल गो डाउन, तो सारे का सारा जो है नेटवर्क आपका गो डाउन मतलब कोलैप्स कर जाता है। इसके बाद हम मेश टोपोलॉजी पढ़ेंगे। मेश टोपोलॉजी बेसिकली इसका जो मैं कंसेप्ट दे दूं, ये बेसिकली राउटर्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी ईच ऑफ द नोड आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, ये इससे बेसिकली एक दूसरे के साथ ये कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होते हैं। एवरी नोड सेंड इट्स ओन सिग्नल, हर जो है वो कंप्यूटर जो है मशीन जो है वो अपने सिग्नल्स को सेंड करती है और ये डाटा के ऊपर रिलाय करते हैं दूसरी मशीन की। और मेश टोपोलॉजी बेसिकली कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फार्मूला, एक फार्मूला उसकी मदद से ये जो है वो काम करते हैं। ये फार्मूला है नंबर ऑफ केबल्स इसके जो है उसको डिवाइड माइनस किया जाता है पहले एक से, फिर डिवाइडेड किया जाता है दो से। मतलब अगर आपके पास चार पीसी हैं
तो चार पीसेस में से, चार में से हम क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, फिर उसको दो को डिवाइडेड करेंगे, मतलब 4 × 2 / 2 तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 केबल, मतलब जो चार पीस अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको यह है 6 केबलों की जरूरत पड़ेगी। ये है मेष टोपोलॉजी। तो उसके बाद मेष टोपोलॉजी इसके अंदर आके हम देखते हैं इसकी टू जो है वो टाइप्स हैं, फुल मेष टोपोलॉजी और पार्शियल मेष टोपोलॉजी। फुल मेष टोपोलॉजी में क्या होता है, इट नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इज द नेटवर्क। इसमें एक नेटवर्क में जो है वो एक जो है मशीन वो दूसरे मशीन के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। जबकि पार्शियल मेष टोपोलॉजी की बात करें तो सम नोड कुछ जो है वो मशीनें जो है कुछ कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होती हैं हर एक कंप्यूटर के साथ। तो ये थी पार्शियल मेष टोपोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली इफ वन ऑफ द जो एडवांटेज है, वन ऑफ द डिवाइस नोड फेल, अगर एक डिवाइस फेल हो जाती है देन देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंट। तो इसके लिए हमें मुतबादल जो है उसकी जरूरत पड़ती है। एक्सपेंशन एंड मोडिफिकेशन कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर नोड्स। तो इसके लिए अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो बगैर किसी डिस्टरप्टिंग के आप जो है वो मशीन के कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन टू नोड, दो मशीनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर हम नुकसान की बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ मेष टोपोलॉजी के, तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज अ हायर लेंथ ऑफ अ केबल इज रिक्वायर्ड। इसके लिए जो है एक तो ये महंगा है और दूसरा जो है मेष टोपोलॉजी और इसके लिए जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है जो बहुत बड़ी लेंथ में बड़ी लेंथ तो चाहिए होती है केबल इसके लिए, केबलिंग के लिए मेष टोपोलॉजी की लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा केबलें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। इसकी इंस्टॉलेशन और इसके मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और मेष टोपोलॉजी बेसिकली ये बड़े नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं होती, ये भी एक छोटे छोटे नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी इसको पढ़ लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली कम्बिनेशन होता है बस और स्टार टोपोलॉजी का। इसको जो है आप यू भी कह सकते हैं ये स्टार बस टोपोलॉजी है। और होल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट, सेगमेंट्स में इसको जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। विच कैन बी इजिली मैनेज एंड मेंटेन, इसको जो है आप आसानी के साथ मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं ट्री टोपोलॉजी को। इसके फायदों की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी। अगर आप एक्सपेंशन करना चाह रहे किसी भी रूटर्स की तो वो जो है आसानी के साथ मुमकिन है। अदर हायरार्किकल नेटवर्क आर नॉट अफेक्टेड इफ वन ऑफ द डैम गेट्स डैमेज। अगर एक कभी जो है कंप्यूटर डैमेज भी हो जाता है तो उसको जो है बेसिकली जो है दूसरे जो है वो अफेक्टेड नहीं होते। इजियर मेंटेनेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट जो है वो इजिली फाइंड आउट हो जाता है और उसको इजिली आप मेंटेन भी कर सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज देखते हैं। इफ बैकबोन लाइन ब्रेक्स देन द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। अगर बैकबोन लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर क्या होता है, मुकम्मल जो है वो सेगमेंट जो है वो गो डाउन हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। उसके बाद बड़ी तादाद में केबलिंग की जरूरत होती है इसमें, और मेंटेनेंस की भी बहुत ज्यादा इसमें जरूरत होती है। और इसके अलावा जब भी ये नेटवर्क जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज होता है, ये जो है बेसिकली जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसको मैनेज करना मुश्किल होता जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। इसको आप लाइक्स करें, कमेंट्स करें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।